किसान भाइयों राम राम। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे, जैसा कि आप नींबू के पौधे में इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है और आगामी जनवरी फरवरी में ज़्यादा फल फूल कैसे लेके आएँ, वे पहले ही हम जानकारी दे चुके हैं। तो आज एक ऐसी जानकारी देंगे नींबू के पौधे संबंधित जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज हम बात करते हैं अपने नींबू के पौधे को आप किस प्रकार की शेप दें, किस प्रकार का आकार दें और ज़मीन से लगभग कितने फुट की ऊंचाई से उसका फुटान चालू हो, यानी जो टहनी होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो कितने फुट से आपके पौधे पर जो ये ब्रांच निकल कर आएँ, शाखाएँ निकल कर आएँ। तो राम राम किसान भाइयों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक बार फिर से स्वागत है HSP किसान के YouTube चैनल पर। HSP किसान के YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको एकदम सही और सटीक जानकारी दी जाती है खेती बाड़ी संबंधित। यदि आप और प्रकार की वीडियो, जैसे कि खेती, किसी भी प्रकार की फसल की वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जो आपने अपना पौधा गार्डन में लगाया है, एक पौधा लगाया है, ज़्यादा यदि आपने बगीचा लगाया है, तो उनकी नियमित रूप से आप देखभाल कैसा करें, कैसे करें, ये आप हमारा जो पौधा देख सकते हैं। ये हमारा पौधा लगभग 2.5 वर्ष का पौधा है। 2.5 वर्ष के पौधे की आप हाइट देख सकते हैं, लगभग 6 से 7 फीट इसकी हाइट हो चुकी है। और जैसा कि जनवरी फरवरी में हम इस पे जो फूल आएंगे वो सारे फूल हमें फल में बदलना चाहेंगे, लेकिन उस समय तेज हवाओं का दौर होता है, तो उसके कारण लगभग कुछ प्रतिशत जो फल फूल होते हैं वे झड़ जाते हैं। अब हम जो वास्तविक जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि इसकी आप शेप कितनी ऊंचाई पर आपका तना जमीन से लगभग कितनी ऊंचाई आपको रहे, तो आपके पौधे के पास यदि इस प्रकार की घास है तो आप उसको निकाल दें। समय के अभाव के कारण हम यहाँ पर इसकी निराई गुड़ाई समय बात करते हैं। जैसे जमीन से लगभग आपके तने का आकार, तने की ऊंचाई लगभग 1.5 से 2 फुट होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका इस समय आप अपने पौधे की कटिंग कर सकते हैं, छोटा पौधा है, पौधा बड़ा हो गया, टहनियाँ मोटी हो गई, उस समय आप पौधे से टहनियाँ नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस समय जब आपका पौधा 4, 5, 6 साल का हो जाएगा, पौधे में भरपूर मात्रा में फूल फनाने लग जाएंगे, तो आपके पौधे से आप कोई भी टहनी नहीं निकालना चाहेंगे। तो उनसे ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि नीचे टहनी झुकी हुई है आपके पौधे के, तो आपके पौधे में जो फल आएंगे आप उनको नीचे की साइड से हार्वेस्ट करने में आपको परेशानी होगी। नींबू के फलों को नीचे से तोड़ने में आपको परेशानी होगी, आप पौधे के नीचे नहीं जा सकते, इससे आपके पौधे जमीन को यदि छुएंगे, फल आपको जमीन के छुएंगे तो आपके पौधों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, फल भी खराब क्वालिटी के हो सकते हैं। तो ज़रूरी है आपके पौधे को उपयुक्त शेप दें, उपयुक्त डिजाइन, जैसा कि इस प्रकार आप जो नीचे की टहनियाँ हैं उनको आप निकाल दें। लगभग 1.5 से 2 फुट की हाइट तक आप अपने पौधे से इस प्रकार की टहनियों को निकाल दें। टहनियों को निकालते समय ध्यान रखें आप साफ कटर का इस्तेमाल करें, किसी भी जंग खाई हुई या फिर दूसरे किसी पौधे से जो आप उसकी कटिंग करिए उसको न लें, एक बार हल्की सी उसको गर्म कर लें। ये हमारी पुरानी, लेकिन हमने इसको एक बार गर्म कर लिया है आँच पर, और इससे जो इसमें संक्रमण का खतरा था वह समाप्त हो गया। इस प्रकार आप इन टहनियों को निकाल लें दोस्तों। निकालते समय ध्यान रखें कि नींबू के पौधे में कांटे पाए जाते तो आपको ऐसी कोई चोट नहीं पहुंचे जिससे आपके शरीर को कोई नुकसान हो दोस्तों। इस प्रकार आप अपने नींबू के पौधे को, पौधे से इन टहनियों को आप निकाल, नीचे की साइड झुकी हुई सारी टहनियों को निकाल, जैसा हमने ये निकाल दी। इस प्रकार निकालने के पश्चात आप अपने पौधे पर, जैसे कि इस समय आपने ये काटी है, दिसंबर का महीना चल रहा है तो ओस पड़ रही है, तो संक्रमण का खतरा यानी फंगस का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह के शाम जो
आपके पौधे पर ओस आएगी यहाँ पर जमेगी, और यदि संक्रमण है तो आपके पौधे पर भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए आपको दोस्तों करना क्या है, इस प्रकार आप अपने सभी पौधों की कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई करने के पश्चात आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अपने पौधे पर छिड़काव करें। एक ध्यान देने योग्य और बात दोस्तों, पौधे में जो सूखी टहनियां हैं आप उनको भी निकाल दें। सूखी टहनियां आपके पौधे में डाईबैक को बढ़ा सकती हैं। डाईबैक के रोग के वजह से ही सूखी टहनियां आपके पौधे में दिखाई देती हैं, तो उनको आप हटा दें। हटाने के पश्चात आप अपने पौधे पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें। अब हम आपको थोड़ा नज़दीक से दिखलाएंगे कि पौधा हमारा कितनी हाइट का हो चुका है। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ से इन टहनियों को काट दिया है, लगभग इस प्रकार की टहनियों को, और पौधा लगभग हमने इसको दे दिया है 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई। ज़मीन से जो तने की ऊंचाई है वह 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई हमने दे दी है। अब हमारा पौधा ऊपर की ओर फुटान लेकर आएगा, और जैसा कि आगामी 2-4 साल में जब हमारा पौधा अच्छी तरह फूल फल देने लग जाएगा, तो हम इस पौधे के नीचे की तरफ जाकर भी आराम से नींबू तोड़ सकते हैं, इसी कोई समस्या आएगी नहीं। तो आप भी अपने पौधे पर इस प्रकार शेप दे दें जैसा कि हमने यहाँ पर दिया है। पौधे की कटाई छटाई करते रहें समय समय पर, यदि पौधा 3 वर्ष से कम आयु का है। यदि ज़्यादा आयु का हो गया तो आप पौधे को उपयुक्त जो शेप नहीं दे पाएंगे और आपका पौधा वहीं पर फैल जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।